सो देखो बेटा, आर्यन, साउंड क्लियर है बोलते? ठीक है। सो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करना, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, हम ध्यान ना गल सुनियो कि अगर साढ़े सामने एक सिचुएशन आती है जिदे विच सानू पूछा जाता कि एक चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड च मूव कर रहा, तो उहदे ते मैग्नेटिक फोर्स किन्नी लगेगी? किन्नी लगेगी मीन्स उस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही दसने हैं, क्योंकि फोर्स इज ए वैक्टर क्वांटिटी। तां उहदे लई बेटा तुहानू जिहड़ी गल याद रखनी पएगी वह की है कि अगर तुसी किसी भी चार्ज पार्टिकल ते मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करनी है, तां सब तो पहला तां तुसी उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज नोट करना, पहला पॉइंट। फिर बेटा तुसी उस चार्ज पार्टिकल दी स्पीड, उस मूवमेंट ते जिस मूवमेंट ते वो फोर्स निकालनी है, उस मूवमेंट ते चार्ज पार्टिकल दी स्पीड नोट करनी है। तीसरा बेटा, उस मूवमेंट ते तुसी चार्ज पार्टिकल दी डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब वेलोसिटी दी डायरेक्शन नोट करनी है। चौथा, तुसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी डायरेक्शन नोट करनी है। पंजवा, तुसी उस जगह ते जिस जगह ते वो चार्ज पार्टिकल है उस जगह ते उस पोजीशन ते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दा मैग्नीट्यूड भी नोट करना। तो पहला चार्ज नोट करना, फिर उस चार्ज पार्टिकल दी स्पीड नोट करनी, फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बारे नोट करना, फिर जिस जगह पे उस वक्त चार्ज पार्टिकल है उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन ते मैग्नीट्यूड नोट करना। और अगर मैं इस नू डायग्राम दे अकॉर्डिंगली थानू दसा, तां मान लो जिस वक्त जिस मोमेंट पे तुसी चार्ज पार्टिकल दी ऊपर लगन वाली मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करन जा रहे हैं, उस वक्त थोड़ा चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट पी है और उसकी वेलोसिटी इस तरफ है और उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू है और पी पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन गिवन है और तुसी की नोट कर रहे हैं उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस एंगल थीटा बना रहे हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल दे लगन वाली मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड एक तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। और ये इंटेंसिटी केड़ी जगह दी लेनी है? जिस पोजीशन पे चार्ज पार्टिकल है इस वक्त, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और इस साइन थीटा च थीटा कौन है? भी जिस वक्त जिस जगह पे तुसी चार्ज पार्टिकल दी वेलोसिटी अपना मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करनी है उस वक्त उस पोजीशन पे चार्ज पार्टिकल दी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड च बनने वाला एंगल है थीटा। तो जदों तुसी ये सारा कुछ नोट कर लिया बेटा, तां इन्हां फैक्टर्स नूं कंबाइन करके
मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा और क्यू वी बी साइन थीटा, जो इतने कापा है ना, दैट इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. और इन एसआई तो कापा की वैल्यू 1 है, तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो नंबर 1 है ना, मतलब आज तो बाद जो भी जिस भी सिचुएशन दे विच तुसी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट करनी है, तो उस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू वी बी साइन थीटा फार्मूला तो निकलना, इक्वेजन नंबर 1 ने थोड़ी हेल्प करनी है. हुन इस इक्वेजन नंबर 1 नू याद कर लिया आपा, है ना. हुन देखो बेटा हुंदा की है, असी लोग की करते हैं, साडे को गलती कित्थे हुंदी है, असी इक्वेजन्स याद कर लेने हैं, पर आपा एक तो यह भूल जाने कि वह जिहड़ी इक्वेजन है वो किस कंडीशन दे लई एप्लीकेबल है, उस इक्वेजन का रिजल्ट किस कंडीशन लई एप्लीकेबल है. हुन जदा इक्वेजन याद हो गई है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, तो ये जिहड़ी इक्वेजन थानू याद हो गई है, तो जे तुसी किसी भी स्टूडेंट, कोई भी जो प्लस टू वाला स्टूडेंट है जिन्होंने ये टॉपिक कर लिया, उन्होंने अगर पूछो कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला कढ़ो, है ना, तो से 100 चो 50% स्टूडेंट्स तो ये फार्मूला लिख देंगे आराम. पर अगर मैं इसे फार्मूला पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल उन्होंने पुट करना वा कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा, तो उदे ते मैग्नेटिक फोर्स कढ़ो, तो हम तुसी नोट करोगे कि 50 की जगह ना 30% स्टूडेंट्स ही रह जाएंगे या 25 ही रह जाएंगे जेडे वो नुमेरिकल कर पाएंगे. कारण कि उन्होंने ये तो पता मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होंदा, पर उन्होंने ये गल ही नहीं समझ आई कि यह फार्मूला किस जगह पर सानू हेल्प कर रहा, तो उन्होंने ही वो याद रखते हैं ना, उन्होंने पता भी फार्मूला पूछेंगे लिख देंगे, दैट्स वो थोड़ा जहा प्रैक्टिस करेंगे तो उन्होंने याद आ जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही फार्मूला एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है ना, वो लगेगा. अच्छा हुन दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने चो ये भी आएगी कि वो फार्मूला अप्लाई करने लिए लिख तो लेंगे, पर उन्होंने समझ नहीं आएगी कि थीटा जरा होंगे की होंगे, वो थीटा एंगल तो पता वा बट वो कि एंगल है. तो इस फार्मूला च जो आप थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो वो सिचुएशन तो पता लगेगा कि उस सिचुएशन च मैगनैटिक फील्ड और वेलोसिटी च कि एंगल बन रहा है, वो वाला एंगल थीटा है ना, अदरवाइज थीटा एक एंगल है, पर वो एंगल कौन है, वो वैल्यू कितों लभनी है, वो बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स लिए. तो इन्होंने पॉइंट्स से कंसनट्रेट करना जरूरी है, होर कुछ भी नहीं है, मतलब जे पॉइंट्स से कंसनट्रेट करूंगे तो रिजल्ट वधिया आएगा. हुण बेटा आपां अगे शिफ्ट होने हैं, हुण ये जिहड़ा फार्मूला है इहदे जिहड़े डिफरेंट केसिज है कि एक तो यह फार्मूला तुहानूं दस रहा कि मैगनैटिक फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टीकल से लगनी है, जे अनचार्ज पार्टीकल है ना लाइक न्यूट्रॉन तो उहदे ते नहीं मैगनैटिक फोर्स लगनी. दूसरा अगर चार्ज पार्टिकल है मतलब कि वह नॉन जीरो है बट वह रेस्ट पे है तो भी मैगनैटिक फोर्स नहीं लगे, है ना, इना मतलब स्टेशनरी चार्ज के उपर मैगनैटिक फोर्स नहीं लग रही, ये भी याद रख लेना तुसी. और थर्ड है बेटा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन च भी है पर थीटा 0 डिग्री है या थीटा 180 डिग्री है, मतलब उस चार्ज पार्टिकल की जिहड़ी वेलोसिटी है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के नाल कितना एंगल बना रही है उस वक्त, या 0 डिग्री या 180 डिग्री, मतलब या चार्ज पार्टिकल दी डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है या ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड है. तो दोनों केसेस दे विच
ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਸਾਈਨ 180 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਚ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕੋ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥੀਟਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ ਐਮ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਊ ਵੀ ਬੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ 90 'ਚ ਥੀਟਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਲੱਸ 1 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਕਟਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਊ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ A ਐਂਡ B ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ AB cos theta ਔਰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ A ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ B ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਨੇ ਆ A ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ B ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਵੈਕਟਰ और ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का जो आंसर आता ना वैक्टर उसका मैगनीट्यूड ए बी साइन थीटा होता ए बी साइन थीटा तो यहाँ मतलब कि इतने वी बी साइन थीटा आ रहा ना तो इट मीनस आप जो वैक्टर फॉर्म च लिखना तो मैगनैटिक फोर्स असी लिख सकते हैं क्यू This one. तो इतना लिख सकते हैं अच्छा हुन इत्थों बाद थानू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स के बारे कंसैप्ट की कलैरिटी होनी बड़ी जरूरी है देखो भाई जेडे भी एक्सप्रैशन च बेटा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है ना जिदा इस एक्सप्रैशन क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो यहाँ मतलब है कि आ जो एफ एम वैक्टर है ना यदि डायरेक्शन कादे ते डिपेंडेंट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विलोसिटी एंड मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी ते डिपेंडेंट है तो किदा निकालांगे बेटा आपां हुण उहदे लई तुसी याद करो जदों भी तुसी दो वैक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दसनी है रिजल्ट की डायरेक्शन दसनी है तो तुसी राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली तुसी की करते हैं जिहड़ा क्रॉस प्रोडक्ट का फस्ट वैक्टर है उस तरफ तुसी अपने राइट हैंड के फिंगरस नू स्ट्रैच कर लेने हैं और ਉਹਨਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਥੰਮ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਦੱਸੇਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ तो थानू इस डायग्राम च वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता वा तो हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर असी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन दसनी है तो की करांगा मैं आ है मेरा फर्स्ट वैक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट का और आ सैकेंड है तो मैं फर्स्ट वैक्टर की तरह फिंगरस करके और फर्स्ट तो सैकेंड उपर नू है तो इस करके मैं फिंगर्स नू उपर नू कर्ल कर लिया और थम बाहर नू आ रहा है ना इट मीनस इस केस च वी क्रॉस बी की डायरेक्शन की है आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन बट आउटवर्ड बाहर नू पर जल्दबाजी नहीं करनी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर नजर आ रहे हैं ना तुहानू ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਐਫਐਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝ ਜਾਓ ਗੱਲ ਤੋ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ कैलकुलेट करना दस रही है और इक्वेशन नंबर 2 मैग्नेटिक फोर्स दे मैग्नीट्यूड दे नाल नाल डायरेक्शन भी दस रही है तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये मैं थानू पहले यूनिट च भी दसिया सी जेड़ा भी जेड़ा फार्मूला है वो वेक्टर दे मैग्नीट्यूड नू दस रहा
उस फार्मूला च असी नेगेटिव साइन नहीं सब्सटीट्यूट करते क्योंकि कारण बड़ा साफ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर हमेशा पॉजिटिव होंदा इस करके उत्थे नेगेटिव साइन नहीं लैने पर वैक्टर फॉर्म दे विच ना तुसी हर क्वांटिटी विद प्रॉपर साइन सब्सटीट्यूट करनी तो जदों तुसी आ फार्मूला यूज करना तो ये फार्मूला की ज्यादातर जरूरत मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल दी डायरेक्शन दसन ले उदों लोड पैनी है तो उस वक्त जिहड़ा क्यू है फार्मूला च क्यू है विद प्रॉपर साइन सब्सटीट्यूट होना तो अगर बेटा क्यू पॉजिटिव है तो फिर ये पॉजिटिव होने करके आ वाला वैक्टर और आ वैक्टर कौन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होनी तो अगर थोड़ा चार्ज पॉजिटिव है देन एफ एम विल हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ और आ डायरेक्शन कितना निकलनी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर अगर क्यू नेगेटिव है देन एफ एम विल हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ सो ए पॉइंट्स का समझना जरूरी है ना थोड़े लिए तो आर्यन पांजा समय लगी बेटा अर्शिया गर्ग आर्यन मीनिया चिराग हरमन क्रिश लक्ष्य समरीत यथार्थ ठीक है बेटा तो हाँ जी बोलो ना ना स्केलर च नहीं साइन स्केलर केड़ा बेटा हाँ जेड़ा स्केलर क्वांटिटी का फार्मूला है उहदे च प्रॉपर साइन है जो वैक्टर की स्केलर फॉर्म है उहदे च नहीं साइन समझ आई आ रहे हैं? हाँ दो फर्क है ना हाँ वो दोनों च फर्क जिहड़ी स्केलर फार्मूला जिदा आपां यूनिट नंबर वन च इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला यूज करते हैं या पोटेंशियल एनर्जी का उहदे च विद प्रॉपर साइन ही सब्सटीट्यूशन होनी है ठीक है ना मतलब जिहड़ियां स्केलर क्वांटिटीज है उहनां दे कोई भी फार्मूला है उहदे च हर क्वांटिटी विद प्रॉपर साइन सब्सटीट्यूट होनी है जो वैक्टर फार्मूला है उहदे च भी विद प्रॉपर साइन यूज होनी सब्सटीट्यूशन होनी है पर जो वैक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दसन वाला फार्मूला है उहदे च सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सब्सटीट्यूट करने नैगेटिव साइन नहीं करना लॉजिक बड़ा सिंपल है पुत्र कि कोई भी वैक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड की है पॉजिटिव तो इस करके नैगेटिव नहीं ना होता इस करके वो ध्यान च रख लेना बस अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं हुण ये तो बेटा आप गल की है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कितना निकालना है ना पर हूँ देखो
ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਗਿਵਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਊ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਫ ਐਮ ਔਰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਐਫ ਐਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਡਿਊਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਡਿਊਟ੍ਰੋਨ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਹੇਗਾ ਐਂਡ ਸੋ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਕਿਊ ਵੀ ਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਹੈ, ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ, ਫਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਥੰਬ। ਤੋ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ, ਥੰਬ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ, ਫਸਟ ਐਫ 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 ਫਸਟ ਐਫ ਫੀਲਡ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐਫ ਫਸਟ ਐਫ ਫੀਲਡ। ਤੋ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਫੀਲਡ ਵੱਲ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਲ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ, ਸੀ ਸੀ ਫੋਰ ਕਰੰਟ, ਕਰੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ। ਤੇ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਤੋ ਸੀ ਫੋਰ ਕਰੰਟ, ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ ਫਿੰਗਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ,
वह होएगी मैगनेटिक फील्ड करके वालों, और सेंट्रल फिंगर किधर नु होएगी डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, और थंब कौन है, टी टेंशन फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स द डायरेक्शन कौन द सू थंब द डायरेक्शन होने लेफ्ट हैंड दे फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर ते थंब ये सेट कितना करने हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर और थंब कितना म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने हैं, पर होने कितना वहां की आ वाली फील्ड वाल होनी है आह करंट वाल, या जिधर नु पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है या जिधर नु नेगेटिव हो रहा है तो ऑपोजिट, और आ फोर्स दी डायरेक्शन दसेगा, तो आ मैक्सिमम फोर्स दी डायरेक्शन दसेगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दी स्टेटमेंट थानू पता लग जाएगी कि अगर अपन लेफ्ट हैंड दी फिंगर्स नु केड़ियां फिंगर्स नु फर्स्ट सेंट्रल एंड थंब नु म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन च स्ट्रेच करदे हां, तो फर्स्ट फिंगर अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दस दी है, सेकंड फिंगर सेंट्रल फिंगर, तो सेंट्रल फिंगर अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो थंब दी डायरेक्शन मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स दी डायरेक्शन नो रिप्रेजेंट कर। तो हुण बेटा आपां इस गल नो एग्जांपल दे नाल क्लियर करना है, तो इत्थे तक किसे नो कोई डाउट